नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मार्केट में जो मैडनेस अभी चल रही है उसको हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। थोड़ा मज़ा आएगा आपको भी जान करके, कुछ अच्छी जानकारियां भी हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी मैडनेस देख लेते हैं। मैंने सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पर खोला हुआ है और ये डेली कैंडल है। आप डेली कैंडल पे देखोगे बहुत ही सुंदर सी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देगी, जो कि लगभग 1350 पॉइंट्स की पॉजिटिव कैंडल है। बेहतरीन बम बम मार्केट आज चली है। सेंसेक्स 1400 पॉइंट के आसपास ऊपर है, लेकिन जो मार्केट की मैडनेस है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने लगा दिया है एक मिनट की कैंडल को, और आपको जो बात मैं बताऊंगा वो आपको परेशान भी कर सकती है और एक खुशी भी दे सकती है। अगर आप थोड़ा सा होता है ना, भगवान मार्केट को गिरा दो, भगवान मार्केट को ऊपर कर दो, और आप आंखें खोलते हो मार्केट सच में गिर जाती है, मार्केट सच में ऊपर होती है, ऐसी वाली लॉजिक अगर आप लगा करके मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको आज की मार्केट की कैंडल्स बहुत अच्छी लगने वाली हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही रेशनल तरीके से मार्केट को अप्रोच करते हो तो फिर भैया आप डर जाओगे, जैसे कि मैं आज डर रहा था। ठीक है, पहले मैं कैंडल्स को देख लेता हूँ। आप इसे एक सिंगल कैंडल को देखिए जो कि सिर्फ एक मिनट की कैंडल है, और उस एक मिनट में सेंसेक्स 315 पॉइंट गिरा। उसके बाद ये वाली कैंडल देखिए, एक मिनट के अंदर सेंसेक्स 250 पॉइंट गिरा। एक मिनट के अंदर अब दूसरा पागलपन देखिए, तेजी देखिए। यहाँ पर इस वाली कैंडल पे एक मिनट के अंदर सेंसेक्स 425 पॉइंट ऊपर। ठीक है, और ये दिन के दौरान हो रहा है, ऐसा नहीं मार्केट गैप डाउन गैप अप कर रही है। यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखिए, एक मिनट के अंदर सेंसेक्स 350 पॉइंट, लगभग 360 पॉइंट नीचे। फिर अगले ही मिनट के अंदर, अगले ही मिनट, ऐसा नहीं कि फिर वहाँ नीचे स्टेबल थी मार्केट, अगले ही मिनट सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर। आज फ्राइडे था, एक्सपायरी तो थी नहीं, फ्राइडे था, तो अभी मार्केट जो मंथली एक्सपायरी है वो अगले हफ्ते है। ठीक है, तो क्या हो रहा है वो देखो भाई साहब, पागलपन चल रहा है, पागलपन। ये पागलपन मैं क्या बताऊँ इसको। आप देखिए मार्केट में, यहाँ कोई बोल रहा है यार मार्केट गिरा दो, मैंने शॉर्ट कर दिया है, मार्केट डबल टॉप बना रही है और मार्केट गिर भी गई। फिर नीचे कौन सा सपोर्ट कहाँ मिलेगा, और जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए तो आज नाइटमेयर वाला दिन था भाई साहब। कर क्या पाओगे आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? आप यहाँ पर अगर ट्रेड ले रहे हो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा। जो बहुत ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस लेते हैं वो यहाँ लेंगे, और जो एक्सट्रीमली मतलब क्या ही बताएं, जो ऐसा स्टॉप लॉस लेते हैं ना मार्केट जहाँ खुली है उसी को स्टॉप लॉस मान करके जो ट्रेड करते हैं उनका भी स्टॉप लॉस गया। मतलब जो एक्सट्रीम लेवल पे स्टॉप लॉस लेते हैं उनका भी गया, जो मीडियम लेवल पे लेते हैं, जो बिल्कुल रिस्की ट्रेडर होते हैं, सबका स्टॉप लॉस मार्केट खाई, उसके बाद नीचे आकर के फिर से जाकर के डे हाईज पे क्लोज करके गई है, डे हाईज पे मार्केट क्लोज की है। खुशी हम इसलिए मना सकते हैं क्योंकि हम एक इन्वेस्टर हैं। दूसरे एंगल पे अगर आप ट्रेडर हो, मैं ट्रेडर हूँ, तो इस चीज़ को कभी भी आप इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हम अमेरिका को इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और हेल्दी के टर्म्स में कुछ लोगों ने कुछ बातें बताई कि सर मार्केट गिरती नहीं है, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में थोड़ा रिस्की तो होता है अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, स्पेशली स्विंग ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो परफेक्टली अवेलेबल होती हैं। एक डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद चलेंगे कुछ स्टॉक्स पे जो आपके साथ और डिस्कशन कराने में मज़ा भी देंगे। ठीक है, मैं वेबसाइट पे हूँ innocentinvestor.in, यहाँ पर एक डेटा है आपके साथ, मैं इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए 2009 में मार्केट ने 75% का रिटर्न दिया था, क्योंकि 2008 में मार्केट क्रैश की थी, बहुत भयंकर तरीके से क्रैश की थी। ठीक है, यहाँ पर 75% का रिटर्न अगर आप हटा दो तो मार्केट 2010 में 18% ऊपर है, 2011 में 25% नीचे। ठीक है, दिक्कतें आई थी, लेकिन वो दिक्कतें सॉर्ट आउट हो गई अगले ही साल, क्योंकि मार्केट लगभग 28% ऊपर क्लोज की। फिर 2013 में 6%, फिर मोदी जी आए, 2014 में मार्केट 31-32% ऊपर गई, अगले साल मार्केट फ्लैट थी, 4% नेगेटिव, अगले साल भी मार्केट फ्लैट थी, 3% पॉजिटिव, लेकिन फिर 2017 में मार्केट 28-29% का रिटर्न दी थी, 2018 में 3%, 2019 में 12, 2020 में 14, 2021 में लगभग 25%, 2022 में लगभग 5%, और 2023 में लगभग 15-16%, और 2024 में अभी तो क्या ही बताएं, अभी तो मार्केट रिटर्न पे रिटर्न ही देना चाहती है। देखते हैं कहां तक जा करके रुकती है या यहां से थोड़ा सा करेक्ट होती है। जो भी डेटा होगा वो आप दिसंबर में जान पाओगे, लेकिन ये बात मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूं वो ये कि मार्केट पिछले 15 सालों में अगर आप जा करके देखोगे डेटा, तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह, दो जगह, सिर्फ दो जगह, ये और ये, और कहीं आपको नेगेटिव डेटा दिख रहा है? ये पॉजिटिव, ये 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 हर जगह पॉजिटिव है,
और मार्केट सिर्फ दो जगह पे नेगेटिव रिटर्न दी है। हाँ, आप कहोगे कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भाई, अगर आप फिर भी कैलकुलेट करोगे तो मार्केट बहुत बम बम रिटर्न नहीं दे दी है। 25% का आपको CAGR दे दी है या 20% का दे दी है, उसके नीचे ही है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमको 28-30 मिल जाता है, कभी कभी 3% से भी हमको संतोष करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद लोग ये लगा करके बैठे हैं क्योंकि मार्केट लगातार लगातार ऊपर 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 जा रही है। आप देखो पिछले कई सालों से कोई भी नेगेटिव रिटर्न वाला साल आया ही नहीं है, 16, 17, 18। इसी बीच हमने कोविड भी देखा, हमने वॉर भी देखी, सारी चीज़ें देखी। आप आर्टिकल है उसको जाकर के पढ़िएगा, वहाँ पर चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। हमने सब कुछ देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो इवेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, AI का ज़माना है, AI आपके लिए इवेंट्स खोज कर ला करके आपको दे देता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स कट हुआ था, यहाँ पर COVID-19 में क्रैश भी आया, रिकवरी भी आई, फिर वैक्सीन जब आ गई तो मार्केट पूरा ऑप्टिमिज्म पे चलने लगा और आज भी मार्केट ऑप्टिमिज्म पे ही चल रहा है। रेट कट अमेरिका में हुए हैं, फॉलो हम उनको कर रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा खुश हैं। और क्या बताऊँ भाई, अपने यहाँ अगर रेट कट हो गया ना, ऐसी महंगाई बढ़ेगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। जो कंपनियाँ यहाँ पर बहुत इन्जॉयमेंट लेकर के ऊपर बम बम करके अपने स्टॉक्स को ऊपर ले जा रही हैं, उनका क्या हाल होगा आप नहीं समझ पाओगे। अपने यहाँ महंगाई अभी एकदम क्या बोलें, बॉर्डर पे खड़ी है, बॉर्डर पे। और अभी रेट कट हुआ मार्केट में और पैसा आया तो भाई साहब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि लोग फिर बैंकों से अपना पैसा निकालेंगे और उनके हाथ में जब पैसा आएगा तो महंगाई और बढ़ेगी। लोगों के हाथ में जब और कैश आएगा तो RBI इसको कैसे टैकल करेगा, वो RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप जान पाओगे। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कभी अगले बार यहाँ पर रेट कट हो, लेकिन जो भी हो यार, उम्मीद और ना उम्मीद से आप क्या ही करोगे। RBI सालों से ये रेट कट नहीं कर रहा है और उसकी मजबूरी भी है। आप समझो ये एक लूप है जिसमें RBI खुद फंसा हुआ है और हम इंडियंस भी फंसे हैं। खैर, हमें उस लूप में नहीं फंसना है। जो बहुत खतरनाक है वो है ये, जो मार्केट में ये वाला पोटेंशियल होता है ना कि एक ही दिन में मार्केट कमजोर ट्रेडर्स को बहुत आराम से बाहर कर देती है, ये चीज़ सच में खतरनाक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म बनाओ, थोड़ा सा हेजिंग पे फोकस करो, थोड़ा सा आप प्रीमियम खाने की कोशिश करो। अगर आप मतलब छोटे लेवल से थोड़ा सा भी अपग्रेड कर गए हो तो मतलब कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बना के ट्रेड किया करो मार्केट में, कि मार्केट अगर अचानक से गिरे भी तो आपको प्रीमियम खाने का मौका मिले इधर साइड। ठीक, अचानक से ऊपर जाए तो भी सेम कंडीशन हो। हाँ, स्टॉप लॉसेस हर जगह जाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस अगर जा रहे हैं उसका भी अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ऐसी मार्केट जो कि एक मिनट की कैंडल्स में इतने भयंकर भयंकर मूव दिखा रही है, ये मैच्योर तो नहीं कहलाएगी। इससे पहले, इससे कई साल पहले मैं आपको बताऊं 2017-18 की अभी मैं बात कर रहा था, वहां पर मार्केट ज़्यादा मैच्योर तरीके से बिहेव करती थी। अभी पता नहीं ऑनलाइन के चक्कर में, ऑनलाइन तो तब भी थी खैर मार्केट, लेकिन अभी पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता ग्लोबल कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, न्यूज़ पे हम इतना ज़्यादा रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। भाई साहब ये वाला रिएक्शन, आप अगर सेकंड्स का डेटा देखना चाहो वहाँ पर भी आप दंग रह जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, सच में दिखाऊंगा आपको। ये वाली कैंडल देख लीजिए, ये कैंडल कब बनी है, आप नीचे देखिए टाइम 13:30 यानी कि 1:30 बजे। अब 1:30 बजे क्या होता है वो आपको पता है नहीं पता, ग्लोबल मार्केट्स में जाकर के पता करना। खैर, हम ग्लोबल मार्केट्स को इतना क्यों फॉलो कर रहे हैं मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। मैं आ गया NSE इंडिया की वेबसाइट पे, ठीक है, आप यहाँ पर निफ्टी का नॉर्मल चार्ट देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन होता है व्यू डेटा टेबल का, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने डेटा आ जाता है। मैं 1:30 बजे के आसपास चलता हूँ, आपको डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, 1:30 बजे का डेटा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जा भाई, थोड़ा दूर हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगा। 24, ये 13:26 मतलब 1:26 और यहाँ पर 1:27, 1:28, 1:29 और ये हो गई 1:30। आप यहाँ पर देखो मार्केट कहाँ है, 725, 784, 782। यहाँ पर आप देखते जाओ 784, 782, फिर अचानक से देखो यहाँ पर 783 है 13:30, 22 पे। 13:00 यानी कि 1:30, 22 पे मार्केट कहाँ खड़ी है, 25,783 पे। और 30 सेकंड बाद ये डेटा अपडेट हुआ 13:30, 52 पे। ठीक है, 30 सेकंड बाद मार्केट 655 पे आ गई, यानी कि 45 उधर जोड़ लो, 45 इधर जोड़ लो और 80 उधर जोड़ लो, 120 पॉइंट नीचे। देख लो भाई 30 सेकंड में क्या हुआ मार्केट के साथ। फिर क्या हुआ, अब आगे की कैंडल्स में आप जब ये डेटा व्यू डेटा टेबल में जब आप जाकर के देखोगे, आप सोचोगे यार एक एक सेकंड में ऐसी कहानियां बन जा रही हैं, 10-10, 20-20, 30-30 सेकंड में ऐसी कहानियां बन जा रही हैं। हाँ भाई, बन जाती हैं। और मार्केट में उस समय जो चीज़ें रिस्क पे आती हैं ना, उसकी बात कोई कभी नहीं करता, और उसी की बात आपको दूसरे एंगल से बताई जाती है कि मार्केट इज सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस और पता नहीं क्या क्या रिस्क
इनहेरिटेड रिस्क होता है मार्केट में इन्हीं सब चीज़ों का। यही सब चीज़ें आपको एक रिस्क के रूप में बताई जाती हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को, वो बोलते हैं ना रैट रेस में, जैसे लोग रियल लाइफ में फंसे हैं, यहाँ पर भी लोग एक दूसरे को देख करके ही एकदम कुछ भी सेलिंग हो रही है, हाँ भाई बेचो 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 बेचो, बाइंग हो रही है, खरीदो 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 खरीदो, मतलब हद दर्जे का पागलपन कभी कभी देखने को मिलता है। मैंने सोचा आपके साथ ये पागलपन शेयर करते हैं, ठीक है। बाकी रिटर्न वगैरह देखना हो और मार्केट के बारे में थोड़ा और जानना हो तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, यहाँ पर एक एक चीज़ आपको दिखाई गई है किस साल कितनी परसेंट की कैसी परफॉर्मेंस रही है मार्केट की। अभी आते हैं कुछ स्टॉक्स के चार्ट पे। देखो अच्छे चार्ट्स कुछ बने हुए हैं, आज मार्केट इतनी अच्छी चल रही थी लेकिन फिर भी बहुत सही जगह पे आकर के ग्रैसिम खड़ा है 2675 के नीचे। यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन बनेगी जो कि आपको 150 रुपये तक का मोमेंटम दिखा सकती है। 150 रुपये इसके लिए बहुत बड़ी बात होते हैं, तो आप यहाँ पर टेक्निकल सेटअप के साथ शॉर्ट ट्रेड के लिए रेडी रहिएगा। पॉजिटिव साइड का कोई ट्रेड लेने की आपको यहाँ पर सलाह नहीं है, लेकिन ये जो सलाह मैं आपको दे रहा हूँ प्योरली टेक्निकल सलाह है, मैं कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं। जो भी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी हो या शॉर्ट सेलिंग करनी हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछना, मैंने सिर्फ टेक्निकल बातें आपको बताई हैं, उसको आप अपने तरफ से वेरीफाई जरूर करना। एक और स्टॉक है जो टेक्निकल्स पे बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके दिखा रहा है और मैच्योरिटी वहाँ पर भी मुझे देखने को मिली, वो है DOMS। DOMS आप जानते होंगे, अगर आप स्टूडेंट होंगे, खैर जाने दो, आप स्टूडेंट तो नहीं होंगे अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इस कंपनी के बारे में आप रिसर्च करो, लेकिन चार्ट के बारे में मैं जो आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ ये कि इस वाली कैंडल के बाद, जो कि बहुत ही नेगेटिव कैंडल मानी जाती है अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक्स पैटर्न, उसके बाद ये जो है, इवन आप मार्केट देखो आज कितनी बेहतरीन चली है, लेकिन ये स्टॉक 1.5% नीचे है, इसके पिछले वाले दिन 2% नीचे था, इसके पिछले वाले दिन 0.5% नीचे था, अभी ये स्टॉक और नीचे जाने की पोटेंशियल आपको दिखा रहा है और प्योरली टेक्निकल्स पर चल रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रेड आजमा सकते हो। हाँ, टेक्निकल्स पे ही रहिएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की इस वक्त तो सलाह बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक कैसा है, अच्छा है, मुझे पसंद है, लेकिन इस प्राइस पे मैं आपको क्या ही सलाह दूँ भाई, मार्केट इन्फ्लेटेड है और इन्फ्लेटेड मार्केट में मैं आपको खरीदने के लिए बोलूँ, इतना बड़ा पागलपन तो मेरे अंदर नहीं है। बात करते हैं डाबर की। देखो डाबर जब 500 पे था, मैंने आपको वीडियो बना करके, प्रॉपर वीडियो, मैं जनरली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदने के लिए बोला था, जो लॉजिक्स बताई थी वही लॉजिक्स प्ले हुई हैं और उसके बाद 500 से ये आ गया 675 पे। बेहतरीन रिटर्न है या नहीं, बेहतरीन रिटर्न आपने कमा लिया एंड यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि फिबोनाची का है। अब वो फिबोनाची का जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन है, तो अगर मार्केट गिरती है यहाँ से तो ये स्टॉक आपको बेहतरीन टेक्निकल लेवल्स पे पोटेंशियल दिखा सकता है सही से चलने का। नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड ऐसा नहीं, देखो यार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इन स्टॉक्स के लिए अच्छी बातें भी बनके सामने आ जाती हैं, नेगेटिव बातें भी बनके सामने आ जाती हैं, मीडिया कुछ भी बना देता है, लेकिन अगर आप टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हो ना तो वहाँ पर अगर आपको एग्जिट मिल जाता है तो आप चुपचाप एग्जिट ले जाओ। अगर आपको ट्रेड बढ़िया मिल रहा है और चल रहा है आपके फेवर में तो आप इसको एंजॉय करो, आपको एग्जिट करना आना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉसेस पे एग्जिट ही नहीं कर पाए और उसको आप इन्वेस्टमेंट बना लिए जो कि आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, तो ये आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो डाबर लेने के लिए यहाँ बोला था, लेकिन यहाँ पर लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बेचने के लिए, कंडीशनल सेलिंग के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही होगी और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। IEX जब नीचे था तो हम बात करते थे लेने की, लेकिन अब भी ये भी आकर के खड़ा है रेजिस्टेंस पे। आप कहोगे रोज ऊपर जा रहा है, आप बता रहे हो रेजिस्टेंस, तो भैया रोज ऊपर जा रहा है उसको जाने दो, आज मार्केट के चक्कर में ऊपर गया, अगले दिन मार्केट गिरी तो ये भी गिरेगा, टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो कर रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी IRCTC, BSE ये सब भी टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो चुके हैं। आपको मैं BSE का चार्ट दिखाता हूँ, भाई साहब BSE का चार्ट देख के आप सोचोगे कि भैया ये दूसरी दुनिया का चार्ट है क्या। ये देखो, मतलब इस वाले दिन 18% ऊपर, अगले दिन 3% नीचे, फिर अगले दिन 17% ऊपर, फिर अगले दिन 5% नीचे, फिर अगले दिन 7% ऊपर। ये BSE का चार्ट है और क्या बम बम चार्ट चल रहा है इसका, मतलब अलग ही लेवल पे। और ऐसा नहीं कि ये टेक्निकल्स फॉलो नहीं कर रहा है, निफ्टी से ज़्यादा मेच्योरिटी तो ये दिखा रहा है। आप 15 मिनट की कैंडल्स पे जब जाओगे, मैंने क्यों बोला निफ्टी से ज़्यादा मेच्योरिटी ये दिखा रहा है, आप देखो प्रॉपर आपको बाइंग सिग्नल दे करके ये एंट्री लेने का मौका देता है रिट्रेसमेंट पे और फिर रिटर्न देता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एंट्री लेने का मौका देता है बाइंग सिग्नल दे करके, फिर आपको रिटर्न देता है। यहाँ पर आपको एंट्री लेने का मौका देता है, आई डोंट नो कि आपका यहाँ पर टारगेट हिट हुआ हो या नहीं, लेकिन फिर से ये ऊपर चला जाता है, कॉस्ट पे आपको एग्जिट कराया होगा या फिर स्टॉप लॉस दे दिया होगा। लेकिन अगले दिन फिर से, यानी कि 20 तारीख को आप जाकर के देखो, ये 19 तारीख का डेटा था,
ठीक है। अभी यहाँ पर 20 तारीख को देखो एंट्री लेने का मौका दिया, उतना ठीक ठाक रिटर्न नहीं दिया, लेकिन क्योंकि मोमेंटम बहुत बड़ा आया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके 1.5% तो दिन का निकाल ही सकते थे। ये सिर्फ कहने के लिए बातें होती हैं, कभी कभी ट्रेड करना कठिन हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में, लेकिन कम से कम निफ्टी से ज़्यादा मेच्योरिटी तो एक सिंगल लेवल पर स्टॉक्स दिखा रहे हैं। अगर आप निफ्टी की बात करो भाई साहब, उसमें 50 स्टॉक्स हैं कम से कम 15 डिफरेंट सेक्टर्स के, उसके बाद भी निफ्टी अगर 1 मिनट के अंदर इवन 30 सेकंड के अंदर इतने ज़्यादा भयंकर तरीके से गिर जा रही है, 150 पॉइंट 30 सेकंड के अंदर, तो ये पागलपन है। और ये पागलपन मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है, ग्लोबल मार्केट से हम इतने ज़्यादा कनेक्टेड क्यों हो गए हैं, ये चीज़ें अच्छा संकेत नहीं देती हैं। और मार्केट आपको किसी भी चीज़ का जस्टिफिकेशन कल को दे जाएगी, एक दिन में जब मार्केट 1500 पॉइंट गिर जाए फिर आप हमसे मत कहना, और मैं यहाँ पर सेंसेक्स की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर निफ्टी की बात कह रहा हूँ। हाँ, जब यही पागलपन है मार्केट में तो निफ्टी एक दिन में 1500 पॉइंट बड़े आराम से गिर सकती है, फिर आप क्या करोगे उस दिन? क्योंकि मार्केट अगर भाग सकती है इतने तेजी से तो गिरने में तो उससे 4 गुना तेजी से ये गिरती है, और फिर क्या करोगे आप? 200 के नंबर पे 800 का डेटा आता है, अगर 200 पॉइंट मार्केट ऐसे भाग रही है तो 800 पॉइंट गिर भी सकती है, 300 पे ये डेटा 1200 आता है और 400 पे ये डेटा 1600-1500 आता है, तो आप सोच लो मार्केट क्या कर सकती है आपके साथ। उस अत्याचार से बचने के लिए, मार्केट अत्याचार तो नहीं करती है, बस वही होता है कि आपको अगर रिवॉर्ड दी है तो रिस्क भी बताती है कि हमारे पास रिस्क भी है, आप जैसे लोगों को ये झटके दे सकती है, हम जैसे लोगों को ये झटके दे सकती है, इसीलिए हमको अलर्ट रहना चाहिए। दैट्स इट फॉर नाउ। आपके लिए स्टॉक्स जो मैंने बताए हैं उनको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना सलाह लिए कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन मत बनाइएगा, और अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हो तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, ठीक है। मार्केट का हिस्टोरिकल रिटर्न देखना हो तो इनोसेंट इन्वेस्टर पे जाओ, बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो आप मुझे बताओ। अभी के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका आभार, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी और कमाल की वीडियोज में। नमस्कार।